नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश योनी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछले कुछ पाठों से, कुछ लेसन से, मैं आपको महादशा, डिफरेंट ग्रहों की महादशा के अंतर्गत डिफरेंट ग्रहों की अंतरदशा के बारे में पढ़ा रहा हूं। लास्ट पार्ट जो हमारा था उसमें हमने मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा के बारे में अध्ययन किया था कि मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा हो तो कैसे मृत्युंजय जाप करना चाहिए जिससे शंकर जी प्रसन्न होते हैं। आज हम जिक्र करेंगे कि मंगल की महादशा हो और उसमें बुध की अंतरदशा हो तो क्या समस्याएं होती हैं, या तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो क्या लाभ होते हैं। तो ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए मैं प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूँ। यह है बुध की अंतरदशा का फल। बहुत ही स्पष्ट रूप से ऋषि पाराशर ने, पाराशर शास्त्र ने कहा है कि बुध की अंतरदशा, मंगल की महादशा में बुध की अंतरदशा के बारे में कहा है कि कुछ स्या अंतर्गते सौम्ये लग्नाथ केंद्र त्रिकोण गे। कुछ स्या अंतर्गते मीन्स कुछ मीन्स मंगल। मंगल की महादशा हो उसमें सौम्य बोलते हैं बुध को, सौम्य की अंतरदशा हो, कुछ की महादशा यानी मंगल की महादशा हो उसमें बुध की अंतरदशा हो और बुध लग्नाथ केंद्र त्रिकोण गे, लग्न से केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो क्या होगा। तो ऐसे में हमेशा सत्कथाश्च जपोदानम, यानी सत्य की कथा होगी, सत्संग होगा, आप दान करेंगे, जप करेंगे, यज्ञ करेंगे, धर्म बुद्धि का विकास होगा, नीति मार्ग प्रशंसश्च, नीति मार्ग पर चलेंगे, नित्यम मिष्ठान भोजनम, नित्य मिष्ठान भोजन खाएंगे, वाहनमरा पश्वादि, चौपायों का लाभ होगा, वाहन वस्तुओं का लाभ होगा, राजकर्म सुखानी च, राजकर्म में प्रवृत्ति होगी, कृषि कर्म फले, कृषि में कार्य से लाभ होगा, हाथी एवं आभूषण की प्राप्ति होगी, सिद्धि वर्णा वर्ण भूषण। देख कितना सिंपल वे में बताया, इसको आज आप आज के युग से जोड़ लीजिए, देशकाल परिस्थिति से। ये शास्त्र जब लिखे गए थे तब के बारे में बात थी कि सत्संग होगा, धार्मिक बुद्धि का विकास होगा, महान यश फैलेगा आपका। तो आज वही है कि आपका नेम फेम होगा, आपको जितने भी लग्जरी व्हीकल्स हैं उनकी प्राप्ति होगी। आप अगर कृषि का काम करते हैं या कोई भी लैंड सेल परचेज का काम करते हैं तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपको हाथी एवं आभूषण की प्राप्ति का मतलब यही हुआ कि आपको जितनी भी लग्जरी व्हीकल्स वगैरह हैं या जितने भी ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं सबकी प्राप्ति आपको होगी। तो ये था मंगल की महादशा में अगर बुध की अंतरदशा चल रही हो और बुध लग्न से केंद्र और त्रिकोण में। उसके आगे देखते हैं, उसके आगे कहते हैं, नीच वास्तंगते वापी सष्टा अष्ट व्यये गपि वा। नीचे वास्तंगते वापी यानी बुध नीच राशि में हो या अस्थ हो, बुध नीच राशि में हो वा अस्थ हो, षष्ठा अष्ट में वे छह आठ बारह भाव में स्थित हो, षष्ठा छह अष्ट आठवां, व्यय मीन्स बारवां, गे अपि वा अर्थात नीच हो, अस्थ हो और छह आठ बारह भाव में स्थित हो तो बुध की अंतरदशा में हृदय रोग मान हानिश्चय निगड़म बंधु नाशनम। हृदय रोग होता है, मान हानि होती है, बंधु नाशनम सहोदरों का विनाश होता है, तार पुत्रार्थ नाशश्चय पत्नी और संतान का नाश होता है, स्याच चतुष्पाद जीव नाशनम यानी धन पशु आदि की भी हानि झेलनी पड़ती है। तो इस तरीके से ये दिया है कि बुध अगर नीच राशि में हो, अस्त हो और छह आठ बारह भाव में बैठा हो तो ऐसी अंतरदशा में जातक को हृदय रोग मान हानि जेल तक हो सकती है, सहोदरों का नाश हो सकता है, पत्नी संतान धन पशु आदि की हानि झेलनी पड़ती है। इसके बाद वो कहते हैं, दशाधिपेन संयुक्ते शत्रु वर्धिर महद्भयं विदेश गमनम चैव नाना रोगास्तथैव च राजद्वारे विरोधश्च कलह स्वजने रपि। ये क्या बोलते हैं, यहां बोलते हैं दशाधिपेन संयुक्ते यानी महादशा के साथ अगर बैठा हो बुध, जिसकी महादशा चल रही है यानी मंगल की महादशा चल रही है और उसके साथ ही बुध बैठा हुआ हो तो क्या होता है, शत्रु वर्धिर महाभयम शत्रुओं की वृद्धि होती है, महाभय होता है, भय उत्पन्न होता है, विदेश गमनम च विदेश जाना पड़ता है और विदेश यात्रा भी जो होती है वो असफल विदेश यात्रा होती है क्योंकि पुराने जमाने में विदेश यात्रा को अच्छा नहीं माना जाता था, आज के जमाने में विदेश यात्रा को अच्छा मानते हैं। तो विदेश गमनम होता है और वो असफल यात्रा के लिए होता है, अनेक रोग होते हैं, नाना रोग आ सत्य राजद्वारे विरोधस्य
गवर्नमेंट से विरोध मिलता है, राजा से विरोध मिलता है, कलह होती है, स्वजन रवि अपने मित्रों से भी कलह होती है। स्वजन जो होते हैं आपके, आपके मित्र हैं, आपके जानने वाले हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ भी कलह होती है। यदि बुध महादशा स्वामी के साथ बैठा हो, यानी मंगल के साथ बैठा हो, बुध महादशा स्वामी के साथ। इसके बाद कहते हैं, दायशात केंद्र त्रिकोण गे वाक स्वच्छे युक्तार्थ लाभ करते अनेक धन नाथत्वम राज सम्मान एव च। यानी अगर महादशा स्वामी से, अभी तो लग्न से केंद्र त्रिकोण में बात हुई थी, पीछे जो बात हुई थी, अब वो कहते हैं कि अगर बुध महादशा स्वामी से यानी मंगल से केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में हो तो अनेक धन नाथत्वम राज सम्मान एव च, धन की प्राप्ति होती है, राजा का सम्मान प्राप्त होता है। भूपाल योगम कुरुते धन अंबर विभूषणम, विभिन्न प्रकार की भूमि आपको मिलती है, आपको धन और आभूषण मिलते हैं। भूरी वाद्य मृदंग अधि सेनापत्यम महत सुखम, इसके लिए क्या होता है, धन वस्त्र आभूषण वाद्य यंत्र की प्राप्ति होती है, सेनापति बनते हैं आप, मतलब आपको कहीं लीडर चुना जाता है, आपको कहीं प्रमोशन देके आपको एक अच्छी पोस्ट पर लिया जाता है। विद्या विनोद विमला, विद्या की प्राप्ति होती है, आपको हास्यवंग की प्राप्ति होती है। वस्त्र वाहन भूषणम, नए नए वस्त्रों की प्राप्ति होती है, वाहन की प्राप्ति होती है, आभूषण की प्राप्ति होती है। दार पुत्रादि विभवम ग्रहे लक्ष्मी कटाक्ष करता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। दार पुत्रादि, दार मीन्स बोलते हैं वाइफ को, पुत्रादि संतान, तो संतान का और पत्नी का वैभव बढ़ता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो ये कहा है कि अगर बुध महादशा स्वामी से केंद्र त्रिकोण या स्वराशि में स्थित हो, महादशा स्वामी से होना चाहिए, केंद्र त्रिकोण, केंद्र अथवा त्रिकोण में या स्वराशि में स्थित हो, तो ये सब प्राप्ति होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है, विभिन्न प्रकार की संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त होता है, राज सम्मान प्राप्त होता है, राजयोग निर्मित होता है, इसके परिणाम स्वरूप धन वस्त्र आभूषण वाद्य यंत्र की प्राप्ति होती है, मृदंग आदि से प्रेम होता है, सेनापति बनते हैं आप, पूर्ण सुख मिलता है, विद्या की प्राप्ति होती है, स्वच्छ बुद्धि, वस्त्र वाहन, पत्नी संतान आदि से सुख मिलता है, तथा घर में लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा उसमें कहा गया है, दायशात षष्ठरी फस्ते रंध्रे व पाप संयुते तद दाये मानहानि स्यातम क्रूर बुद्धि सुक्रूर वाक है, चौराग्नि चौराग्नि नृपीड़ा च मार्गे दस्युभ्याधिकम। अच्छा, इसमें क्या बोलते हैं, दायशात षष्ठरी वस्ते, यानी बुद्ध यदि महादशा स्वामी से त्रिक भावों में हो, महादशा स्वामी बुद्ध की अंतरदशा चल रही है और मंगल की महादशा चल रही है, तो बुद्ध यदि महादशा स्वामी से त्रिक भावों में हो, यानी महादशा स्वामी से गिनने पर, लगन से नहीं, महादशा स्वामी से गिनने पर 6-8-12 भाव में स्थित हो और पाप ग्रह के साथ बैठा हो, पाप संयुते व पाप संयुते तद दाये मान हानि, तो ऐसे में मान हानि होती है। क्रूर बुद्धिस्तु क्रूर वाक है, आदमी की कटु वाणी बनती है, बुद्धि क्रूर हो जाती है। चौराग्नि नृप पीड़ा, चोर अग्नि और राजा से पीड़ा होती है। चय मार्गे दस्यु भ्याधिकम, डाकुओं से डर होता है, भय पैदा होता है, अकारण कलह पैदा होती है। ये आप समझ गए होंगे, इसको आज की देशकाल परिस्थिति के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि महादशा स्वामी से यदि बुध त्रिक भावों में हो, मंगल की महादशा चल रही है और उससे बुध यदि त्रिक भावों में हो तो पाप ग्रह युत हो, तो बुध की अंतरदशा में मान हानि, पाप बुद्धि, कटुवाणी, चोर अग्नि, राजा से पीड़ा, यात्रा के दौरान डाकुओं का भय तथा अकारण कलह होती। फिर इसमें कहा जाता है, द्वितीय दिन नाते तु महाव्यधि भयंकर अश्वदानम प्रपूर्विते विष्णो नारम सहस्त्रकम सर्व संपत्त प्रदम विप्र सर्वारिष्ट प्रशांत। ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं द्वितीय दिन नाते, देखिए द्वितीय और सप्तमेश, दिन नाते बोलते हैं सप्तमेश भाव को, अगर द्वितीय भाव का स्वामी बुद्ध हो या सप्तम भाव का स्वामी बुद्ध हो तो इसकी अंतरदशा में गंभीर बीमारी का भय होता है। बुद्ध यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो इसकी अंतरदशा में गंभीर बीमारी का भय होता है। ऐसे में अगर अनिष्ट का निवारण करना है, क्योंकि द्वितीय सप्तम भाव जो है मारक भाव होते हैं, और ऐसे में अगर इनका स्वामी ये बुद्ध बन जाता है तो उसकी अंतरदशा में हमेशा मृत्यु कारक कष्ट होते हैं,
और अब मृत्यु का भय रहता है, तो ऐसे अनिष्ट निवारण के लिए अश्वदानम भृगुर, यानी अश्वदान करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना लाभकारी होता है। ये विपुल ऋषि पाराशर कहते हैं ये दानादि कार्य करने से, शुद्ध हृदय से करने से आदमी का, इंसान का हित होता है, ये हितकारी है। तो ये बताया है इसके अंदर कि अगर सप्तमेश हो, द्वितीयेश हो, तो उनकी अंतरदशा में जब भी अंतरदशा चले तो हमेशा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। अश्व का दान तो अब नहीं होता इन सब चीजों का आज की देशकाल परिस्थिति में, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, जो कि बहुत लाभकारी होता है और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्रदान करता है। तो आशा करता हूँ आपको ये मंगल में बुध की अंतरदशा के बारे में समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत जल्दी एस्ट्रोलॉजी की, जो लोग भी इंटरेस्टेड हों उसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय कृष्णा। नमस्कार।